हेलो हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड बाहर से आने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले एक ऐसे विषय पर, ऐसे सब्जेक्ट पर बात कर ली जाए जिसमें आपको भी मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की बात है। वो नाम तो सुना ही होगा, कुहू गर्ग। नहीं सुना? पक्का सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो जाके देखो, गूगल करो कुहू गर्ग, और साथ में कर लेना IPS अशोक कुमार, पूर्व DGP उत्तराखंड। ये नाम सुना? नहीं सुना तो ये भी देख लेना आप। ये तो सुना ही होगा क्योंकि DGP उत्तराखंड अशोक कुमार साहब बहुत एक्टिव थे, बहुत एक्टिव। कुहू गर्ग है ना, नाम जहन में आता है तो आपने सोचा होगा ऐसा क्या कर दिया कुहू ने। बिल्कुल, जब कुछ अलग करते हैं या कुछ हटके करते हैं तो हम मिसाल बन जाते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं सोसाइटी में। ऐसा ही कुहू गर्ग ने किया। मैं कुहू गर्ग से मिला हूँ, उसके घर जब भी जाते थे, DGP अशोक कुमार सर के घर पर जब भी जाते थे, काफ़ी बार। मैं कुहू से मिला हूँ, कुहू गर्ग से जब भी घर जाते थे, लेकिन ज़्यादा नहीं, बट इंटरेक्शन है, मिला है, बातें हुई है हमारी। और तब वो बैडमिंटन खेला करती थी। कुहू गर्ग एक इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर और अभी चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि UPSC का जो कल रिजल्ट आया है जिसमें उसकी 178 रैंक है और IPS उसने क्लियर किया है। साथ ही बैडमिंटन में डबल्स और मिक्स डबल्स खेलती थी और पहली ऐसी खिलाड़ी होगी जिसने 6 साल का इंटरनेशनल करियर होने के बाद में 6 साल तक इंटरनेशनल बैडमिंटन खेला, मिक्स डबल्स और डबल्स में। और जब 9 साल की थी तब से खेलना शुरू किया बैडमिंटन, और उसके बाद आज उसने IPS क्लियर किया है। तो आप समझ सकते हैं, जो लोग ये मानते हैं ना, महज मैं क्यों बातें कर रहा हूँ, जो लोग महज ये मानते हैं कि जो स्पोर्ट्स है वो पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बड़ी बड़ी रिसर्च उठा के देखेंगे तो पढ़ाई में जो स्पोर्ट्स है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, नॉट ओनली स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स तो एक मीडियम है फिजिकल एक्टिविटी का, जब हम वो करते हैं तो हमारे वो ब्रेन और जो मेमोरी है उसको एनहांस करता है। और ये तो प्रूव हो गया, पहले भी कई बार प्रूव है, लेकिन कुहू ने एक मिसाल सेट की है। और अगर कुहू की फैमिली की बात करें तो पिताजी DGP, ex-DGP उत्तराखंड पुलिस, मम्मी अलकनंदा मैम, कुहू की माताश्री अलकनंदा मैम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उससे पहले कुलपति, और उसके बाद में और भाई IITN। और जब कोरोना के बाद में, कोविड के बाद जब ऊबर कप में खेल रहे थे तो उस टाइम में उसका ACL टियर हुआ था और तब इंजरी हुई थी। रिहैब किया, रिहैब करने के बाद में जैसे ही देखा कि उसको नहीं हो पा रहा है तो उसने एक अर्ज की, कहा कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करती हूँ, यानी कि UPSC की तैयारी करती हूँ, और UPSC की ऐसी तैयारी की कि महज 2 साल में 178वीं रैंक हासिल की और IPS बन बैठी, और IPS बन गई। पूरे परिवार के लिए, पूरे प्रदेश के लिए और पूरे गांव के लिए, उसके पूरा एकदम खुशी का माहौल है सब जगह, गर्व की बात है। लेकिन उससे ज़्यादा जिस बात पे अब समझ जाना चाहिए लोगों को, खेल बस मेहनत है। जब वो खेल रही थी, अगर देखें तो 6 साल के अपने बैडमिंटन के करियर में 9 साल से खेलना शुरू किया, लेकिन 6 साल तक इंटरनेशनल जब खेली तो 56 नेशनल मेडल्स हैं कुहू गर्ग के, और 19 इंटरनेशनल मेडल्स मायने रखते हैं। 56 नेशनल मेडल्स एंड 19 इंटरनेशनल मेडल्स, अंतर्राष्ट्रीय पदक मायने रखते हैं ये, क्योंकि जब पदकों की बात आती है तो पदक यूं ही हासिल नहीं किए जाते। जब इतने सारे मेडल्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्पोर्ट्स के पीछे मेहनत भी बहुत की होगी, क्योंकि 56 नेशनल मेडल्स और 19 इंटरनेशनल मेडल्स यूं तो नहीं आ जाते, या यूं ही नहीं आ जाते, है ना। तो जब हम बात करते हैं कि पढ़ाई
पढ़ाई डिस्टर्ब करती है, मैंने कई लोगों को सुना है, और कई लोग कहते हैं और स्पोर्ट्स को महज कहते हैं कि ये तो बेकार चीज़ है और ये कुछ नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम बर्बाद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, करने वाले या जो कर रहे हैं वो कुछ भी कर देते हैं, फिर चाहे वो जो टॉप मोस्ट एग्ज़ाम कहते हैं हम UPSC को, कुहू आपने कर दिखाया, और कुहू को हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ पहले और शुभकामनाएं, कुहू के फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। और कुहू हो सकता है दोबारा से बैडमिंटन शुरू करें, और जब वो शुरू करेंगी या स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए काम करें, तो यकीन मानिए जब इस तरह के लोग, यानी कि खुद भी इंटरनेशनल खेली हुई हैं और उसके बाद एक 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 अलग एक अलग ऊपर पोस्ट पर बैठेंगी, एक डिजिग्नेशन होगा उनके पास में, तो स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत काम कर सकते हैं। इंतज़ार रहेगा कुहू के यूनिफॉर्म में दिखने का, और जब यूनिफॉर्म में दिखेगी IPS के रूप में कि किस तरह से अपना रोल प्ले करती हैं, क्या वो दोबारा वापस आती हैं बैडमिंटन करियर में एज अ प्लेयर या फिर एज अ स्पोर्ट्स प्रमोटर, और किस तरह से वो वापस आते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल उसके लिए तो थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि कुहू ने अभी एग्ज़ाम क्लियर किया, तो इसके बाद में एकेडमी जाना, और उसके बाद सरदार पटेल एकेडमी जाना, और वहाँ से फिर जब यूनिफॉर्म पहन के निकलेगी और IPS बन के निकलेगी, तो कहने का मतलब है कि उस दिन एक अलग माहौल होगा, सबको इंतज़ार रहेगा। लेकिन फिलहाल IPS अशोक कुमार सर को, अलकनंदा मैम को, उसके सारे परिवार को ढेरों बधाइयाँ, और प्रूव कर दिया सचमुच, जो सिर्फ ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स पढ़ाई को बर्बाद करता है या पढ़ने नहीं देता, या स्पोर्ट्स केवल और केवल महज वही लोग करते हैं जिनको कुछ और नहीं करना होता है, ऐसा कुछ कहते हैं, तो कुहू ने तो कॉम्बिनेशन बता दिया। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि आज कुहू का है, तो इसलिए मैंने सोचा कि बात की जाए सभी से इस बारे में। तो भैया स्पोर्ट्स करते रहिए, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, अगर आप में अंदर आप में वो जील है, वो करने के गट्स हैं, और उसके बाद अगर आप मेहनत कर सकते हैं, तो आप स्पोर्ट्स करते हुए और वो भी अच्छे लेवल तक करते हुए भी अपनी पढ़ाई को बहुत बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं, और कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और किसी भी जगह पहुंच सकते हैं। ये कोई स्पोर्ट्स कोटा वाली नहीं है नौकरी, जैसे लोग सोचते होंगे कि इंटरनेशनल है तो वो इसलिए बन गई, तो ऐसा नहीं है। उसने एग्ज़ाम क्लियर किया कुहू ने, सो कुहू यू डिड इट, आपने कर दिया, यू मेड इट टू IPS UPSC क्लियर करके, और बहुतों के लिए आप इंस्पिरेशन हो, बहुतों के लिए मोटिवेशन हो। बहुत सारे जो यंग सोच रहे थे कि अपने स्पोर्ट्स को ड्रॉप करके कुछ और करें, उनके लिए तो आप बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी हो, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, लोगों को इंस्पायर करते रहो, मोटिवेट करते रहो। पेरेंट्स के लिए ये ज़रूर कहूँगा कि एज अ पेरेंट आपको अगर बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसमें साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें साथ दे दिया तो आगे को फिर जो भी चीज़ करना चाहेगा या आप करवाना चाहेंगे वो भी बहुत अच्छा करेगा। ये खुशखबरी थी, सोचा आप सभी के लिए लेकर आऊँ, और उसके बाद में शेयर करने के साथ साथ मैं ये चाहता था कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि स्पोर्ट्स कुछ गलत तो नहीं है, स्पोर्ट्स बहुत अच्छी बात है अगर आप कर पा रहे हैं, और उसके बाद एक जगह इंटरनेशनल लेवल पे, और दूसरी जगह पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो करके देखिए ना, मज़ा आ जाएगा आपको भी, और आपका करियर तो होगा ही होगा। ऑल द बेस्ट कुहू, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन।